Hi, this is Shahid Kapoor. Hi, this is Alia Bhatt. And you are watching us on Bollywood Hangama. Yeah. I can't believe तुमने life में कभी किया नहीं है. Well, that is a sort of double meaning and inquisitive dialogues that we have in Shandar, and we have with us the team of Shandar with us, Shahid Kapoor and Alia Bhatt. A huge pleasure to have you back on Bollywood Hangama, both of you. First of all, thank you for calling us the team. There is a much larger team lying behind us, which is the Absolutely. True team of Shandar, but we're happy to be teaming it up. Yeah, we're happy to be the face of the team. Face of the team, okay. So, क्या कहना है आपका that I can't believe तुमने life में कभी किया नहीं है तो what exactly? तो यही कहना है कि फरीदून तुम्हें पूरे 2.5 मिनट के प्रोमो में यही डायलॉग याद रहा. देखिए मैं आपको मतलब इट मस्ट हैव वर्क्ड. जनता की आवाज दिस इज बॉलीवुड हंगामा. जनता की आवाज है. दिस इज समथिंग दैट देखो बीच में विकास पहल किया. बीच में आया डायरेक्टेड बाय विकास पहल, उसके बाद इमीडिएटली आया. तुमने कभी हाथ में फेविकॉल नहीं लगाया? राइट, नहीं फेविकॉल नहीं लगाया, वो तो खैर एक ऑब्वियस चीज है. बट स्टिल इफ यू वुड लाइक टू मे बी आई थिंक शी इज मोर आई थिंक फोर्थकमिंग इन दीस मैटर्स. सो यू आर मोर फोर्थकमिंग. आई एम मोर फोर्थकमिंग मींस व्हाट? इफ यू वुड लाइक टू इन अ बिट. नो आई मीन इट कैन. अगर आप लॉजिकली सोच रहे हो, अगर लॉजिक नहीं जो हूँ मैं, फ्रैंक एंड फोर्थ कमिंग. पर मैं क्वेश्चन क्या है कि ये सवाल का मतलब क्या है, कि यहाँ मैंने एक सवाल क्यों पूछा? व्हाट्स योर क्वेश्चन? ये इन द सेंस कि एक लड़का और लड़की रात में जो है बैठ के अगर कुछ बातें कर रहे हैं तो इज इट ओनली अबाउट फेविकॉल? आई थिंक अगर मैं कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स इट्स ओनली अबाउट फेविकॉल. अगर हम कैरेक्टर्स के बाहर आएंगे, I don't think मैं पूछूंगी, I can't believe कि तुमने लाइफ में कभी किया नहीं. At least I've never had that encounter, you know, where not I or I don't know of anybody who's had that encounter. कि एक लड़का लड़की you know जो भी करने से पहले पूछ रहे कि I can't believe तुमने किया नहीं है. और आपके ऊपर आप इसको कैसा लेना चाहते हैं? आपने कैसे लिया ये मेरा आपसे सवाल है. मैं पूछ रहा हूँ आपका क्या कॉन्टेक्स्ट है बॉस? बिल्कुल नहीं, मेरा ये मन में क्या ख्याल है? मेरा ये है उसमें सबके मन में यही ख्याल है शायद. क्या ये बात तो आया नहीं था मेरा कहा नहीं. नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. मेरा ये था कि शायद गम होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा. गम बोले फेविकॉल नहीं, मतलब गम गोंद जो होता है, गोंद भी चिपकाते हाथ पे तो वो निकलती है. फेविकॉल से लाइक बचपन. प्लीज द डबल मीनिंग ऑफ गम एंड फेविकॉल इज नॉट द यू आर हमारे और आलिया के इंटरव्यू जनरली बहुत मूड में होते हैं. आपकी पिक्चर आप और आलिया पहले इंटरव्यूज में क्या करते थे? चलो देखिए, हैदराबाद टाइप की आप सीरियस फिल्में कर रहे हैं, आप एंटरटेनिंग फिल्में कर रहे हैं, तो उसमें इस वजह से वो चीज शिफ्ट हो रही है. आप एंटरटेनिंग फिल्में कर रहे हैं, एंटरटेनिंग सवाल पूछिए. एंटरटेनिंग ही है, आप देखिएगा रिएक्शन देखिए. एक चीज ये भी है कि दैट शाहिद कपूर आप पे एक इल्जाम है. इनफैक्ट मैं आलिया से मैं उसके बारे में पूछना चाहूंगा कि दैट आपने काफी अपने इवेंट्स में आपने कहा है कि दैट दीज किड्स ऑफ दीज डेज एंड दीज किड्स एंड आई डोंट नो वेदर दे विल बी न्यू जनरेशन या दिस न्यू जनरेशन. इल्जाम लगाओ, मुझे भी बड़ी डांट पड़ती है. ये जो है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि आप यू आर सम 50 ईयर ओल्ड और समथिंग लाइक दैट. आई नो ही इज ओनली लाइक 30 समथिंग लाइक यंग. राइट, सो उसमें ये एक आपके ऊपर इल्जाम जो है, क्या ये मैं आपको समझा था इसके पीछे वजह क्या है, मुझे ऐसा क्यों फील होता है? जी, क्योंकि मेरे जितने भी भाई बहन हैं वो सब 18-23 के एज ग्रुप में है. जी, और आलिया जो है ये उसी एज ग्रुप में बैठती है. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन ओल्डर देन माई सिबलिंग्स. मेरी बहन जो है वो मुझसे 8 साल छोटी है. Right. और मेरे दोनों भाई जो हैं उनसे 10 साल छोटे हैं. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आई नीड टू बी यू नो, मुझे हमेशा ऐसा लगता है आई एम द एल्डर ब्रदर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम. तो मुझे आलिया के साथ भी वही फीलिंग आती है बिकॉज ये उनकी एज ग्रुप की ही है. तो आई फील अ लिटिल लाइक यू नो आई नीड टू गिव हर द राइट एडवाइस. प्लीज डोंट से यू फील लाइक माय एल्डर ब्रदर. एल्डर ब्रदर एंड एवरीथिंग दिस इज एल्डर ब्रदर. या वो सिबलिंग्स का कन्वर्सेशन था. अच्छा, लेकिन इसमें जो है आप ये बताइए कि इसके अंदर नेचर का क्या क्या उसमें रोल है कि अगर आपके बीच में जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है किसके बीच में, आप और आलिया के बीच में, इफ यू लुक मोर और लेस द सेम एज ग्रुप, तो उसमें नेचर का एक रूल है, तो उसको आप एक्सेप्ट करिए. आप बार-बार हाफ नहीं करना चाहिए. एक थैंक यू फरीद. हां सीरियसली प्लीज, यू आर नॉट द फर्स्ट वन. मुझे 2-3 लोगों ने डांटा इसके बारे में, बट मेरे नेचर पता नहीं, मैं ऐसे ही हूं, मैं मुंह से कुछ भी नहीं. ही लाइक्स टू हैव फन विद इट.
वो ज्यादा ही कुछ मतलब रिक्वायरमेंट फिर मैं उस हिसाब से चलूंगा. I want.